हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्फेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि ब्रॉकेड का जो फैब्रिक होता है उसे आप कौन कौन सी ड्रेसेस बनवा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है, आप स्ट्रेट कुर्ता के साथ शरारा भी सिलवा सकते हैं। शरारा आप सिल्क में भी सिलवा सकते हैं। इवन आप कोई भी सूट के साथ मैच करना चाहते हो तो आप सिंपल प्लाजो सूट भी इसका बनवा सकते हैं। ब्रॉकेड का फैब्रिक दो तरह का होता है, एक प्योर का होता है, एक थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो भी अपने ड्रेसेस को बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप प्रिंटेड में भी ले सकते हो, जिसको आप अपने लहंगे के जो लहंगा होता है वो उसकी स्कर्ट बनाने में यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेट कुर्ता आप बना सकते हो। अगर कोई भी पार्टी फंक्शन है तो उस पर आप इस तरह की अनारकली ड्रेसेस भी बनवा सकते हो। इवन जो पटियाला सूट होते हैं, जहाँ सिंपल सूट होते हैं, वो भी बनवा सकते हैं। इस तरह का आप शरारा सूट मैच कर सकते हैं। ब्रॉकेट फैब्रिक शादी फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा फेमस रहता है। आप देखोगे कि सेलिब्रिटी भी ज़्यादातर इसे ही पहनते हैं, ब्रॉकेट का फैब्रिक, क्योंकि ये विंटर सीजन में ईज़िली हम पहन सकते हैं और ये स्टाइलिश भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रिंट में आता है और दो तरह का होता है, मैंने आपको बता दिया है। और इवन आप इस तरह से अपनी शर्ट के साथ भी इसकी चोली बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बचा हुआ फैब्रिक है उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉटम, और अगर आप बॉटम नहीं बनवाना चाहते हो तो आप सिर्फ चोली भी बनवा सकते हैं, उसके साथ आप स्कर्ट कोई नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑल ओवर सूट भी उसका बनवा सकते हैं, और इस तरह से आप कंट्रास्ट भी बना सकते हैं, उसके साथ आप स्कर्ट वेयर कर सकते हो। अगर पार्टी या फंक्शन में आपने वेयर करना है, पूरा आपने लहंगा चोली उसमें डिज़ाइन करना है बनारसी, जिसे हम ब्रॉकेट फैब्रिक कहते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप चोली के साथ जो बॉटम है उसकी जो बचा हुआ फैब्रिक होगा स्लीव पे लगा के भी अपनी ड्रेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस तरह से आप शरारा सूट भी बनवा सकते हैं। इवन प्लाजो सूट बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हो। अगर आप इंडो वेस्टर्न ट्राई करना चाहते हो तो उस तरह से आप बनवा सकते हो। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है और शादी फंक्शन में इजीली आपका चल जाएगा। यहाँ पे चोली ब्रॉकेट की है, जो नीचे फैब्रिक है वो सिल्क का है, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। ये स्टाइलिश है इंडो वेस्टर्न, जिसे हम कहते हैं, शर्ट के साथ आप ब्रॉकेट का बॉटम सिलवा के वेयर कर सकते हैं। ऑल ओवर आप जो पजामा सूट होता है, जिसे हम प्लाजो सूट कहते हैं, पेंट स्टाइल में भी आप सिलवा सकते हैं। ये फैब्रिक ज़्यादातर सर्दियों में या विंटर में वेयर किया जाता है। इसके नीचे आपको लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइनिंग से इसकी ग्रेस आती है। और इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस इस ब्रॉकेट के फैब्रिक की बना सकते हैं। इजीली हर शॉप पे आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते हो, इजीली ये मार्केट में आपको दिखेगा। जितना भी आपके पास फैब्रिक है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा 2 मीटर आपके पास फैब्रिक है, उसका बॉटम बन जाएगा, इवन चोली बन सकते हैं, उसके साथ आप कोई भी स्कर्ट मैच कर सकते। ब्रॉकेट की काफ़ी ज़्यादा साड़ियाँ भी फेमस थी पहले। अगर आपके पास अपनी मॉम की या कोई भी पुरानी साड़ी पड़ी है तो आप वो यूज़ करके उसकी स्कर्ट बना सकते हो और उसे एज अ पार्टी फंक्शन के लिए अपनी ड्रेस को रेडी कर सकते हो। अगर इस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।